हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनलिमिटेड एजुकेशन का नया चैनल विजन एजुकेशन पे। सबसे पहले अगर इस चैनल पे नया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी है या एनटीपीसी का वैकेंसी है, ये सब का प्रिपरेशन करवाया जाएगा और हिंदी में करवाया जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा काफी अच्छे से करवाया जाएगा, तो अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो मिस नहीं करोगे। और ये है आपका टेस्ट सीरीज 3। तो आप लोगों को पता चल गया होगा जो लोग रेगुलर होंगे कि इसका मतलब क्या है। मैंने 50 टेस्ट अवेलेबल करवाया है आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर टेस्ट सीरीज नहीं लिए हो और लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन देखो, सारा डिटेल्स मिल जाएगा, लेकर के प्रैक्टिस करो। 10 मई से आपका साइको का एग्जाम है, मिस मत करना। टेबल टेस्ट को लेकर के जो भी कंफ्यूजन है, मैं यहाँ पे लेक्चर दे करके आप लोगों का सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूँ। टेबल टेस्ट के अलावा बाकी का जो 4 सेक्शन है, जम के प्रैक्टिस करो। 50 टेस्ट है, प्रैक्टिस करने के लिए काफी ज्यादा है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट सीरीज 3 है। टेस्ट सीरीज 1 और टेस्ट सीरीज 2 का टेबल टेस्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया। ये 3 है, इसमें 10 क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। आप लोग क्या करना, मेरे सॉल्व करने से पहले पॉज करके एक बार खुद से बना लेना कि बना पाते हो या नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ध्यान से सुनना। पंक्ति 1 में कौन सा अक्षर 2 से अधिक बार आता है? जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपको करना है। पंक्ति 1 में कौन सा अक्षर 2 से अधिक बार आता है? तो आप बोलोगे ए आता है। वह अक्षर जिस पंक्ति में नहीं है, ए मेरा किस पंक्ति में नहीं है? तो ए मेरा पंक्ति 5 में, देखो ए नहीं है, बाकी सब में है ना। पंक्ति 5 में मेरा ए नहीं है। उस पंक्ति में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आया है? पंक्ति 5 में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आया है? आप बोलोगे कि बी मेरा ज्यादा बार आया है, 2 बार आया है। तो मेरा राइट आंसर बी होगा। अगर ए बी सी डी ऑप्शन में रहेगा तो बी करेंगे, और 1, 2, 3, 4 रहेगा तो बी के लिए 2 करेंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा पंक्ति में 2 युग्म अक्षर पाया गया है? इसका मतलब समझो, 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 पेयर, कौन सा पंक्ति में 2 युग्म अक्षर पाया गया है? तो 2 जोड़ा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा क्या, देखो इसमें नहीं है, पंक्ति 1 में नहीं है, पंक्ति 2 में देखो आपका नहीं है, पंक्ति 3 में देखो सी आपका 1 जोड़ा है और डी आपका 1 जोड़ा है। तो पंक्ति 3 में आपका 2 युग्म अक्षर पाया गया है, उसमें बीच से अक्षर के सबसे नीचे कौन सा अक्षर है? तो पंक्ति इसमें जो आपका 2 युग्म पाया गया, तो इसमें बीच में ये अक्षर है और इसके सबसे नीचे में कौन अक्षर है? तो सबसे नीचे में बी है। तो मेरा राइट आंसर बी, और बी के लिए 2, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पंक्ति 5। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश करो कि जो लोगों को टेबल टेस्ट में दिक्कत होता है, वो इसलिए दिक्कत होता है कि आप लोग अभी तक 1-2 कॉन्सेप्ट जो मैं बार बार बताता हूँ अभी तक आप लोग समझ नहीं पाए हो। ध्यान से सुनो, पंक्ति 5 के विकर्ण का 3रा अक्षर, अभी भी लोग फंसेंगे। सबसे पहली बात, पंक्ति 5 का विकर्ण कौन है बताओ? तो पंक्ति 5 ये है ना, तो पंक्ति 5, मैंने क्या बोला, पहला अक्षर का जो विकर्ण होता है उसी को बोलते हैं विकर्ण, तो पंक्ति 5 का विकर्ण। अब यहाँ से लोगों को क्या फंसते हैं, देखो अभी भी लोग से और के में फंसते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने बहुत बार बताया, अगर अब भी समझ नहीं आएगा तो आप लोग क्या करना, आप लोगों को जो अच्छा लगता है ना वो करना, ठीक है, और जो लोग मेरा समझाने से समझते हो आप लोग मेरे हिसाब से करना, क्लियर है। चलो पंक्ति 5 का विकर्ण, एक लाइन बोलूंगा, इस लाइन का मतलब समझना। पंक्ति 5 का विकर्ण तो ये है, अगर मैं बोलूंगा पंक्ति 5 का विकर्ण का जो बी है उसके दाएं, उसके बाएं,
तो फर्क पड़ेगा। पंक्ति पांच का विकर्ण का जो बी है उसके दाएं, उसके बाएं, उससे दाएं, उससे बाएं, फर्क पड़ेगा। रिलेशन समझने का कोशिश करो। पंक्ति पांच का विकर्ण का तीसरा अक्षर, मैं हर बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, पंक्ति पांच का विकर्ण ये है, इसका पहला अक्षर ये है, दूसरा अक्षर ये है, तीसरा अक्षर ये है, चौथा अक्षर ये है, पांचवा अक्षर ये है। अगर रहता कि पंक्ति पांच का विकर्ण का कोना में जो बी है उससे जाना है या उसके जाना है, तब आप लोग अलग कंसेप्ट लगाते। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। रिलेशन, पंक्ति पांच का विकर्ण का पहला अक्षर, पंक्ति पांच का विकर्ण का दूसरा अक्षर, पंक्ति पांच का विकर्ण का तीसरा अक्षर, पंक्ति पांच के विकर्ण का चौथा अक्षर, पंक्ति पांच के विकर्ण का पांचवा अक्षर। अब अगर नहीं समझ में आया तो अपने हिसाब से करना। तो पंक्ति पांच के विकर्ण का तीसरा अक्षर ये हुआ, जो प्राप्त होता है उसके दाएं और बाएं अगर समान अक्षर है, तो देखो तो समान अक्षर है क्या? समान अक्षर तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो उसके तुरंत नीचे अक्षर बता, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। समान अक्षर है ही नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो सबसे ऊपर जो अक्षर है वो आंसर होगा। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है ए, तो मेरा आंसर होगा ए। अगर क्वेश्चन नंबर थ्री अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार आप लोग रिपीट करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर, हम लोग इसके आगे चार नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार देखो ठीक से क्या कह रहा है। स्तंभ पांच में युग्म अक्षर के बीच जो अक्षर प्राप्त होता है, स्तंभ पांच में युग्म अक्षर के बीच जो अक्षर प्राप्त होता है, बाएं की ओर बढ़ते हुए अंतिम अक्षर कौन सा होगा? बाएं की ओर बढ़ते हुए अंतिम अक्षर सी है, तो सी मेरा आंसर हो जाएगा, चार का तीन। इसी तरह से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, पंक्ति एक में विकर्ण का तीसरा अक्षर, पंक्ति एक का विकर्ण ये है, इसका पहला अक्षर, इसका दूसरा अक्षर, इसका तीसरा अक्षर, इसका चौथा अक्षर, इसका पांचवा अक्षर। पंक्ति एक का विकर्ण का तीसरा अक्षर ये है। अब समझो, यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है, ध्यान से समझो कि नीचे बाएं विकर्ण, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो मेरा ध्यान से, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको एक चीज समझ में आएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। दाया विकर्ण ऊपर, दाया विकर्ण नीचे, बाया विकर्ण ऊपर, बाया विकर्ण नीचे, ठीक है? यहाँ क्या है? नीचे बाया विकर्ण, तो नीचे बाया विकर्ण ये है। क्लियर हुआ? ये है नीचे बाया विकर्ण। क्या कह रहा है? पंक्ति वन में विकर्ण का तीसरा अक्षर यहाँ आ गए के नीचे बाया विकर्ण का दूसरा अक्षर। अब देखो यहाँ से पहला अक्षर और यहाँ से दूसरा अक्षर, अब समझ में आया कि बाया विकर्ण का दूसरा अक्षर, विकर्ण का पहला अक्षर, विकर्ण का दूसरा अक्षर यहाँ से यहाँ आए, और यहाँ से पहला अक्षर गए और यहाँ से दूसरा अक्षर गए। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर पांच, इसको रिपीट करो, सुनो, रिलेशन को समझो, के और से का डिफरेंस समझो। तो यहाँ पे आ गए, अब क्या बोला जा रहा है? ऊपर की ओर बढ़े जहां से चले थे, तो बस आ गए जहां से चले थे, तो ट्रायंगल बनाना, तो बोल रहा है त्रिभुज का निर्माण होता है, तो हाँ निर्माण होता है। इस त्रिभुज में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आया? तो ए को देखो, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तीन बार आया, तो मेरा आंसर ए होगा, और ए के लिए वन होगा। आपको जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आप लोग कर देना। अगर रिपीट करना है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। पंक्ति वन में विकर्ण का तीसरा अक्षर, पंक्ति वन में विकर्ण का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, यहां से नीचे बाएं विकर्ण का दूसरा अक्षर, यहां से नीचे बाएं विकर्ण का पहला का दूसरा यहां आए, अब यहां से
ऊपर चले गए और ये ट्रायंगल बना, इसमें मेरा सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो आप अच्छे से देखो सबसे ज्यादा बार ए आया है, आंसर हो गया। ठीक है, चलो प्रश्न छ, पूरी तालिका में कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है। ऐसा क्वेश्चन में तो किसी को गलती नहीं होना है। ई को देखो, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, तो हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि मेरा सबसे कम ई आया है। बाकी आप लोग चेक कर लेना, सबसे कम बार ई आया है तो ई आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, पंक्ति दो से दाएं चलते हुए, ध्यान से देखो, पंक्ति दो के दाएं से आपको चलना है, इधर से पंक्ति दो को दाएं से चलना है, अंतिम अक्षर पर पहुंचना है। ठीक है, फिर नीचे की ओर बढ़ते हुए दाएं, अब देखो इधर से जब आप आओगे तो देखो यहाँ आए, फिर नीचे की ओर बढ़ते हुए दाएं अंतिम अक्षर तक पहुंचे, फिर नीचे की ओर बढ़ते हुए अब हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ आप यहाँ आए ना, अब यहाँ से दाएं अंतिम अक्षर पर यहाँ आए, फिर ऊपर की ओर बढ़ते हुए जहां से चले थे वहीं पहुंचे, तो ये रास्ता बन गया। तो दूसरा बी और दूसरा सी के बीच में, तो पहला बी दूसरा बी है ना, पहला सी दूसरा सी, तो दूसरा सी और दूसरा बी के बीच में कौन है, तो ई है, तो मेरा आंसर ई, ई के लिए पांच। क्वेश्चन नंबर आठ देखो, पंक्ति वन के विकर्ण को अंतिम अक्षर, अब देखो पंक्ति वन का विकर्ण आपका ये है, अब अंतिम अक्षर का बात हो गया, अंतिम अक्षर का विकर्ण का दूसरा अक्षर, अब अक्षर का बात हो गया तो अब हम लोग का दूसरा जाएंगे, तो का पहला और का दूसरा, अक्षर का बात हो गया, का पहला का दूसरा यहाँ चले आएंगे। इसके नीचे अंतिम अक्षर कौन सा होगा, इसके नीचे अंतिम अक्षर है बी। ठीक है, और वह किस पंक्ति में है, वह पंक्ति पांच में है, उस पंक्ति में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आता है, तो इस पंक्ति में सबसे ज्यादा बार बी आया है, तो बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नौ देख लेते हैं, स्तंभ चार को स्तंभ पांच से एक्सचेंज करने पर कौन सा अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी स्तंभ ये भी स्तंभ ऐसे करेंगे तो कौन चेंज नहीं होगा, तो कॉमन सेंस लगाओ, जो सेम होगा सेम होगा वो चेंज नहीं होगा, तो डी, डी मेरा आंसर। ये सब क्वेश्चन में एकदम से टाइम बर्बाद मत करना, ये सब क्वेश्चन तो एकदम से टाइम मैनेजमेंट करने के लिए है, पांच सेकंड में बनाओ, बाकी टाइम बचा के नेक्स्ट में लगाओ। क्वेश्चन नंबर टेन, स्तंभ दो के सबसे नीचे अक्षर जो प्राप्त होता है ये, उससे दाएं बाएं समान अक्षर, तो हाँ है समान है, तो स्तंभ पांच का सबसे नीचे जो अक्षर होगा वही आंसर होगा ई, खत्म निकल जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन बनाने में ज्यादा टाइम आप लोग बर्बाद मत करना। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब भी अगर कंफ्यूजन है एक दो बार रिपीट करो, पीछे का लेक्चर देखो, और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो ये मान करके चलो कि 10 क्वेश्चन में आप लोगों को 8 बनाना है, 9 बनाना है, एक छूट जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब समझ में ना आए तो उसको लेकर के टेंशन नहीं लेना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो, एक क्वेश्चन टेबल टेस्ट का छूटेगा, मेमोरी टेस्ट में ज्यादा कर लेना, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।